में हमने देखा था कि छिन छिन ने अपनी बहादुरी और हांशु के सपोर्ट से फिर से अपना थर्ड प्रिंसेस स्टेटस वापस पा लिया है। वैसे छिन छिन का प्रिंसेस टाइटल रहे या ना भी रहे, हांशु तो हमेशा ही उसे प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करता है। छिन छिन के उन माइनर्स को निकालने के प्रोसेस में हाथ में काफी चोट आई थी, जिससे अब हांशु की उसे एक एक बाइट खिलाने की भी जिम्मेदारी आ गई है। और वहाँ उस टी हाउस में उसी एडवाइजरी टीम का एक स्टोरी टेलर छिन छिन के एपिसोड 7 की बहादुरी के किस्से वहाँ मौजूद लोगों को सुना रहा होता है। छिन छिन 7वें आसमान पर थी उसके इन किस्सों को सुन के, और हांशु छिन छिन को अकेले कैसे छोड़ सकता है, वो भी छिन छिन को 7वें आसमान पर कंपनी दे रहा था। इधर लिंची के हाल बड़े बुरे थे, उसे उसका फेवरेट खाना तक नहीं मिल रहा था। उस पर उसके एडवाइजरी उसे अकाउंट बुक दिखा के वो सारे लॉस दिखाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिंची और छिन छिन के बीच की फाइट की वजह से हुए थे। सो अब म्यूजिक एंड डांस एकेडमी और माइन के जाने के बाद बस रेस्ट ऑफ थे लिंची के पास, इसलिए उसका एडवाइजरी उसे एडवाइस करता है कि अब तो छिन छिन से फाइट करना बंद कर दे और कॉन्सेंट्रेट करे बचे हुए फैमिली बिजनेस पर। लिंची सुने तब ना। छिन छिन स्टोरी में अचानक आए नए ट्विस्ट से काफी खुश थी, उसने माइनर्स को भी बचा लिया, खुद की कंडीशन भी इम्प्रूव कर ली एंड उससे भी बड़ा ब्लैक वाटर माइन की खोज करी। प्रॉब्लम बस यही थी कि इनमें से कोई भी चीज में उसके हीरोइन चूचू का हाथ नहीं था। छिन छिन के इसी थॉट के बीच में पे हांग वहां आते हैं। छिन छिन पे हांग को देख के कहती कि मैं खुद आने वाली थी आपको थैंक यू बोलने, उस दिन मुझे मैंशन से बाहर निकालकर आपने बहुत बड़ी मदद की थी मेरी। पे हांग कहते हैं कि इन सब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है हमारे बीच में। बातों ही बातों में छिन छिन हांशु का जिक्र करती है, जिससे पे हांग का चेहरा उतर जाता है और वो कहते हैं कि ये पहली बार है जब मुझे फील हुआ कि शॉनर सिटी के आदमी हमसे बहुत अलग हैं। वो एजुकेशन पा सकते हैं, कुंफू प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी युद्ध में बड़ी बड़ी सेना को लीड कर सकते हैं, और कभी कोई नेगेटिव सिचुएशन आने पर वो आगे आके अपनी वाइफ को भी बचा सकते हैं। छिन छिन उसे कम्फर्ट करती है कि बहादुरी दिखाने और बड़ी बड़ी सेना को लीड करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कुंफू एक्सपर्ट हो। छिन छिन कॉन्फिडेंट के साथ उससे कहती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में तुम सिटी गार्ड्स के फेमस लीडर बनोगे और डिफेंस मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे। पे हां को बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि हुआयान सिटी में डिफेंस मिनिस्टर आज तक कोई आदमी बना ही नहीं। छिन छिन समझाती है कि वैसे तो एजुकेशन मिनिस्टर भी हिस्ट्री में कोई आदमी नहीं बना था, पर तुमने हिस्ट्री बदल दी ना, तो ये क्यों नहीं हो सकता। जेंडर से किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। छिन छिन की ये ओपिनियन, उसका ये बदला रूप, पे हां को उसमें अब कोई बुराई नहीं दिख रही थी और हर दिन के साथ और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है वो इस नई छिन छिन से। पे हांग छिन छिन के अच्छे मूड को तुरंत स्पॉइल कर देता है जब उसे बताता है कि उसकी मां सिटी ओनर छेंचू ने स्पेशली आज मुझे इसलिए भेजा है कि मैं अब से तुम्हारे एजुकेशन पर अच्छे से ध्यान दूं। उस दिन के इंसिडेंट से तुम्हें लेके उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है और वो चाहती है कि तुम ये क्राउन प्रिंसेस इलेक्शन को जीतो। छिन छिन का दिमाग खराब हो रहा था कि इतना बड़ा सीन क्रिएट करने के बाद भी इस क्राउन प्रिंसेस इलेक्शन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। छिन छिन साफ इनकार कर देती है पे हांग से कि क्राउन प्रिंसेस इलेक्शन को ज्वाइन करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर पे हांग तो सोच के आए थे कि बिना पढ़ाई वो जाएंगे नहीं और बुक्स का पूरा ढेर उसे थमा देते हैं। हांशु छिन छिन को पे हांग के साथ ऐसे कैसे छोड़ सकता है, इसलिए हांशु ने भी खुद को मौजूद रखा था वहाँ, जिससे वो पे हांग को छिन छिन के करीब आने से रोक सके। और छिन छिन के क्वेश्चन करने पर कि वो यहाँ क्यों है, वो अपने जवाब के साथ पे हांग पर निशाना साधता है कि पे हांग जैसे बाहरी लोग तक आके तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो मैं तो सबसे करीबी हूँ तुम्हारा, मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। हांशु कोई भी चांस नहीं छोड़ रहा था ये जताने के लिए कि छिन छिन पर उसका ही हक है। पे हांग चाहते थे कि छिन छिन उनकी सेलेक्ट की हुई बुक्स को पढ़े क्राउन प्रिंसेस इलेक्शन टेस्ट के लिए। दूसरी तरफ हांशु चाहता था कि छिन छिन उसके सारे स्पेशली चूज किए हुए क्वेश्चन जो उसने एक पतली सी बुक में समराइज किया हुआ था बस उसे ही पढ़े, क्योंकि छिन छिन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था इलेक्शन टेस्ट को क्लियर करने के लिए। थोड़ी देर में दोनों में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है कि कौन छिन छिन को बेहतर जाता है और किसका तरीका बेटर है छिन छिन को पास कराने के लिए। छिन छिन उनके इस एक्ट से बहुत इरिटेट हो जाती है और मौका देख के भाग जाती है वहां से। छिन छिन की गैर मौजूदगी में भी उनका ये कॉम्पिटिशन जारी था। क्राउन प्रिंसेस इलेक्शन के पास आते ही लोगों ने बेटिंग करना भी शुरू कर दिया था, जिससे इलेक्शन टेस्ट के तुरंत बाद उनकी भी जेबें गर्म हो जाए। इस बेटिंग में दो ऑप्शन थे, सेकंड प्रिंसेस चूचू और थर्ड प्रिंसेस छिन छिन। छिन छिन भी हांशु और पे हांग से दूर भाग कर इस टी हाउस में पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसके भरोसेमंद स्टोरी टेलर्स ने भी सेकंड प्रिंसेस चूचू पर अपना दाव लगाया था। सभी सेकंड प्रिंसेस चूचू पर ही अपनी बेट लगा रहे थे, हालांकि उनके अकॉर्डिंग थर्ड प्रिंसेस ने काफी प्रोग्रेस दिखाई है, बट अभी भी सेकंड प्रिंसेस उससे कहीं बेटर कैंडिडेट है जो हर एस्पेक्ट, चाहे वो राइटिंग हो, कुंफू हो या राइडिंग हो एंड शूटिंग हो, हर चीज में सेकंड प्रिंसेस चूचू लाजवाब है। तो सभी की उम्मीदें चूचू पर ही टिकी थी। छिन छिन को आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी चूचू पर अपनी बेट लगाए और रातों रात पैसों से अपने मेंशन को भर ले। वो जीरो को भेज के मेंशन में रखे सारे कीमती सामान को मंगवा लेती है और जीरो का पीछा करते हुए हांशु भी उस टी हाउस में पहुंच जाता है और छिन छिन को खुद की जगह चूचू पर बेड लगाते पकड़ लेता है और छिन छिन को खींच कर अपनी तरफ करता है। छिन छिन कंफ्यूज थी कि उसका चेहरा तो कवर था, हांशु ने उसे पहचान कैसे लिया।
पर उसका पार्टनर जीरू काफी है चिंचन की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए। चिंचन को लेसन मिल गया था कि नेक्स्ट टाइम से सिर्फ खुद को नहीं जीरू को भी अच्छे से कवर करना भूलना नहीं उसे। चिंचन हांशु को एकदम काम रखने के लिए कह देती कि मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए मिलन सीट लेने आई थी और अब मैं जा ही रही हूँ मेंशन वापस अच्छे से क्राउन प्रिंसेस इलेक्शन की तैयारी करने के लिए। बाई जी हमेशा की तरह चिंचन पर शक कर रहा था, पर हांशु सेटिस्फाइड हो चुका था सिर्फ इस मेलन सीट से ही जो चिंचन ने उसके लिए खरीदा है। हांशु चिंचन पर बेटिंग खाली देख के उस पर उतनी ही बेट लगाता है जितना टोटल लोगों ने चूचू पर लगाया था। चिंचन टी हाउस से सीधे चूचू के पास जाती है। चूचू को ये बात पता चल गई थी कि चिंचन ने खुद की बजाय उस पर बेट लगाई है। वो पूछती है कि अब तो वो काफी फेमस हो चुकी है लोगों के बीच, तो फिर उसने खुद पर बेट क्यों नहीं लगाई? क्या तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है? चिंचन इस बात का रिप्लाई देती है कि ध्यान से देखो मैं क्या हूँ, मैं वही हूँ जो बचपन से लोगों को प्रॉब्लम ही देती आई हूँ और मेरी थोड़ी सी अचीवमेंट इस बात को छुपा नहीं सकती है। और चूचू से डिमांड करती है कि वो जरूर इस इलेक्शन टेस्ट को जीते, उसने बहुत एक्सपेक्टेशन और पैसे लगाए हैं उसमें। चूचू के चेहरे पर कंफ्यूजन के भाव देखे चिंचन उसे एक्सप्लेन करती है कि तुम सच में डिजर्व करती हो ये पोस्ट, और सिर्फ मैं ही नहीं माँ भी यही सोचती है। वो बस बाहर से तुमसे स्ट्रिक्ट रहती है क्योंकि उन्हें तुमसे हाई एक्सपेक्टेशन है, और मैं जिससे उनको कोई होप ही नहीं है, तो मैं कैसी भी गलतियां करूं वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेती हैं, और इतनी मामूली सी बात तो तुम भी समझती होगी। चिंचन की ये बातें चूचू को पॉजिटिविटी से भर देती है। चिंचन पेहांग की स्पेशली उसके लिए पिक की गई बुक्स को चूचू को दे देती है, बदले में उससे उसकी एक्सरसाइज बुक मांगती है जो चूचू ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हो। वो एक्सक्यूज देती है कि इससे वो थोड़ी बहुत तैयारी तो कर ही लेगी। चिंचन खुश थी कि अब उसको हांशु के गुस्से का शिकार नहीं होना होगा। एज यूजुअल चूचू का अटेंडेंस चिंचन को लेकर सस्पिशियस था और चिंचन के अगेंस्ट अलर्ट रहने के लिए कहता है चूचू को, लेकिन चूचू का माइंड चिंचन और उसकी माँ को लेकर क्लियर हो चुका था। चिंचन मेंशन वापस आके जीरो के माइंड में फिट कर देती है कि हांशु के आने पर उसे यही बताना है कि एक्सरसाइज बुक उसने कम्प्लीट की है। हांशु के आने की आहट से सोती हुई चिंचन और जीरो दोनों अलर्ट हो जाते हैं और चिंचन ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक डिलिजेंट पढ़ाकू लड़की में जिसे आसपास की कोई खबर ही नहीं है, और वो पढ़ने में इतनी डूबी हुई है कि कोई उसे एहसास ही नहीं है कि हांशु उसके सामने खड़ा है। जीरो उसके इस नाटक में उसका अच्छे से साथ दे रहा होता है और पढ़ाई में डूबी हुई चिंचन को किनारे पर लेके आता है और होश में लाता है कि यंग मास्टर हांशु आ गए हैं। एक तरफ चूचू का अटेंडेंट और दूसरी तरफ हांशु का अटेंडेंट दोनों ही चिंचन के सामने चील बन जाते हैं और उनकी आंखें बस चिंचन के खिलाफ पॉइंट्स ढूंढने लगती हैं। बाई जी अच्छे से उसकी एक्सरसाइज बुक को रिव्यू करता है कि सच में उसने कंप्लीट कर दी और सरप्राइज हो जाता है, पर हांशु का अभी भी चिंचन को फ्री छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और अब उसका प्लान था चिंचन को पॉलिटिकल डिस्कोर्स के टेस्ट के लिए तैयार करने का। पर चिंचन के कॉन्फिडेंटली ये कहने पर कि ये तो एक डिबेट की तरह होता है जिसमें बस बोलना आना चाहिए और बोलने का टैलेंट उसमें कूट कूट कर भरा है, उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस को देख के हांशु सजेस्ट करता है कि क्यों ना फिर वो बेट लगा ले इसी बात पर, और कंडीशन ये थी कि अगर वो जीता तो चिंचन उसे किस करेगी और अगर चिंचन जीती तो हांशु उसे किस करेगा। चिंचन इस विनिंग प्राइज को सुन के कुछ टाइम के लिए तो ब्लैंकी हो जाती है और हांशु के जाल में फंस जाती है, और हांशु उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस का टेस्ट शुरू करता है। उसका क्वेश्चन था कि इस हुआया सिटी में फादर इन लॉ और सन इन लॉ का रिलेशनशिप हमेशा सेटल करना मुश्किल रहता है। फादर इन लॉ सिर्फ अपने सन इन लॉ को पीटते ही नहीं है बल्कि उसके डाइवोर्स का डिसीजन भी वही लेते हैं। तो तुम ये बताओ, अगर किसी दिन फादर इन लॉ सन इन लॉ से किसी बात को लेके आर्ग्यू करते हैं तो क्या सन इन लॉ को भी उनसे स्ट्रॉन्गली आर्ग्यू करना चाहिए या फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आर्ग्यू करना चाहिए, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? चिंचन मन में सोच रही होती है कि ये तो सास बहू वाला फंडा है। वो इस क्वेश्चन का जवाब ये देती है कि तुमने नेगेटिव साइड चुनी है तो मैं पॉजिटिव साइड लूंगी। मेरे हिसाब से उसे कॉम्प्रोमाइज ही करना चाहिए क्योंकि आर्ग्यू करने से बाय द एंड ऑफ द डे बेनिफिट उसे भी नहीं मिलेगा। सो अच्छा यही है कि वो अपनी और स्पेशली अपनी वाइफ के लिए शांति का रास्ता अपनाए। उसके इसी बात पर हांशु कहता है कि अगर मेरी माँ और तुम में ऐसे ही कोई आर्ग्यूमेंट हो तो तुम मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज कर लोगी। बैकग्राउंड में जीरू और बाई जी ऐसे सीरियस होकर आंसर का वेट कर रहे थे जैसे कोई जिंदगी और मौत का सवाल हो, लेकिन बिना जवाब का वेट किए हांशु खुद ही क्वेश्चन करके खुद ही आंसर देता है कि चिंता मत करो, मेरी माँ भी उसे पसंद करेगी जैसे मैं पसंद करता हूँ। चिंचन के दिमाग में ये चल रहा था कि ये आर्ग्यूमेंट वाली बात कहां से कहां पहुंचा दी मिस्टर हांशु ने। हांशु अनाउंस करके कि इस राउंड में चिंचन जीत गई है, सो एज प्रॉमिस प्राइज के तौर पर उसे मिलेगा हांशु की तरफ से एक तड़कता भड़कता किस, पर चिंचन को हांशु के इस प्राइज में कोई इंटरेस्ट नहीं था और प्राइज को रिजेक्ट करके चिंचन वहां से बाहर निकल जाती है। हांशु को उसे पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करने का प्लान अभी ओवर नहीं हुआ था, उसने ये काम मेंशन के वर्कर्स में बांट दिया था। सबसे पहले हट्टा कट्टा आदमी चिंचन को रोक कर उसे पूछता है कि क्या आदमी को क्यूटली बिहेव करना अच्छा जीवन बिताने के लिए जरूरी है।
छिन-छिन का जवाब था हाँ क्यों नहीं। औरत आदमी दोनों को ही कभी कभी क्यूट एक्ट करना चाहिए। जैसे कभी लड़ाई हो रही हो, अगर आदमी क्यूट बनकर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और औरत की रिस्पेक्ट भी उसके लिए बढ़ जाएगी। ये बात क्लियर होते ही वो हट्टा कट्टा आदमी लड़कियों की तरह नखरे और ओवरली क्यूट बिहेव करने लगता है। कुछ टाइम बाद खाने के भी टाइम में उसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के टेस्ट से गुजरना होगा, अगर खाना खाना है तो। और सीरियसली क्वेश्चन का आंसर देने पर ही खाना देने का ऑर्डर उन लोगों को हांचू ने दिया था। नेक्स्ट सीन में छेन योन और उसके अटेंडेंट के बीच बात चल रही थी कि थर्ड प्रिंसेस छिन-छिन इतनी होपलेस हो गई है कुंग फू स्किल्स खोने के बाद कि उसने बेट भी सेकंड प्रिंसेस चूचू पर लगाई है। छेन योन इस फीलिंग को अच्छे से समझ पा रही थी, उसने भी एक्सपीरियंस किया है इस सिचुएशन को और वो डिसाइड करती कि उसे छिन-छिन से मिलने जाना चाहिए। और दूसरे ही सेकंड माइंड चेंज कर लेती है कि बाहर ठंडी हवा चल रही है और बाय चांस मुझे कोल्ड हो गया और फिर लंग्स इन्फेक्टेड हो गया और क्या पता मैं कोमा में चली गई और मेडिसिन तक भी ना ले पाऊं और फिर तो मेरा मरना तय है। नहीं 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 नहीं, मुझे अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना। अटेंडेंट उसे उसके इस नाइटमेयर से उसे जगाता है और नौटंकियों पर लगाम लगा के थर्ड प्रिंसेस के पास जाने के लिए इंसिस्ट करता है। तब जाके छेन योन जाने के लिए तैयार होती है कि हाँ अगर वो मोटे कपड़े पहन ले तो ठंडी हवा से बच सकती है, और निकल पड़ती है छिन-छिन को मिलने के मिशन पर जिसमें उसे ठंडी हवाओं से भरे खतरे को पार करना है। इधर छिन-छिन सो तक नहीं पाई थी हांचू के इस पॉलिटिकल प्रैक्टिस सेशन की वजह से, और आंखों में डार्क सर्किट की लेयर लिए हुए वो हांचू को कन्फ्रंट करती है कि मुझे कुछ बात करनी है और अब मैं वेट नहीं कर सकती। ना मुझे लिटरेसी टेस्ट पास करना है, ना पॉलिटिकल और ना ही कुंग फू। मुझे किसी भी टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होना है जिसका रिलेशन क्राउन प्रिंसेस बनने से हो। मेरी कुंग फू स्किल जाने के बाद मैं यूजलेस हूँ। हांचू एडवाइस करता है कि ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, और मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। हांचू उसे वो क्वेश्चन आंसर दिखाता है जो उसने खुद लिख के तैयार किए हैं और बस छिन-छिन को उसे याद करना है। छिन-छिन अब फेड अप हो चुकी थी और वो कहती है कि लिटरेसी टेस्ट पास कर भी लिया मैंने इसे पढ़कर तो क्या, मुझे कम ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ेगा और कम लोग हंसेंगे मुझ पे। इस इलेक्शन टेस्ट को अवॉइड करने के लिए छिन-छिन के मन में जो भी बात आ रही थी वो बस बोले डाल रही थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये बातें छेन योन जो ठंडी हवाओं से गुजर के खतरे सह के उससे मिलने आई है। दूर से छिन-छिन की ये बातें कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूं, कितनी भी एफर्ट डालूं, मैं लूजर ही रहूंगी, एक ऐसा लूजर जिसकी हर कोशिश पर लोग हंसेंगे। छेन योन बातों को खुद से रिलेट कर लेती है कि एक यूजलेस पर्सन को क्राउन प्रिंसेस बनने का हक नहीं है, और वो लिटरेसी और पॉलिटिकल टेस्ट पास कर भी ले तब भी इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि वो अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो सकती। उसके इन बातों को सोच के उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपने अटेंडेंट को वापस अपने मेंशन जाने का कहती है। बेचारी इतनी मुश्किलों का सामना करके आई थी तब भी उसका मिशन पूरा नहीं हो पाया। सो मो छेन योन के माइंड की नेगेटिविटी को मिटाने के लिए और उसे रिलैक्स देने के लिए बाहर गार्डन में के लिए फूलों का नजारा लेने वॉक के लिए इन्वाइट करता है, बट नेगेटिव थॉट से ओवरफ्लो हो रही छेन योन उसने भी बात ढूंढ लेती है कि अभी के ये फूलों और फलों से भरा गार्डन पतझड़ आते ही अपने पीछे उजड़ा हुआ मंजर छोड़ जाता है, तो क्या फायदा ऐसी खूबसूरती को देखने का जो हमेशा नहीं रह सकती, और बाद में उसका ये उजड़ा हुआ रूप सिवाय दुख के आपको कुछ नहीं देगा। सुमो रिप्लाई करता है कि आप जैसे काइंड हार्टेड पर्सन को पूरा हक है दुनिया की हर सुंदरता को एंजॉय करने का, और हालांकि ये फूल और फल झड़ जाएंगे पर दिन ऐसा भी आएगा जब फिर से ये खिलेंगे। सुमो के ये थॉट्स उसे थोड़ा रिलैक्स तो कर देते हैं पर छिन-छिन की बातों के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं था। सुमो अब डायरेक्ट छिन-छिन से ही रिक्वेस्ट करता है कि वही फर्स्ट प्रिंसेस छेन योन से बात करके उन्हें समझा सकती है। छिन-छिन अप्रिशिएट करती है कि सुमो को छेन योन की इतनी परवाह है। सुमो के लिए छेन योन स्पेशल थी क्योंकि एक वो और थर्ड प्रिंसेस छिन-छिन ही है जो उसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करती है। मीनवाइल छेन योन अपने नेक्स्ट विल को लिख कर रख रही थी। छिन-छिन उसी समय उसके मेंशन में घुस जाती है और उसकी नजर छेन योन की एक लेटर पर पड़ती है जिसमें वो इलेक्शन टेस्ट में पार्ट ना लेने की डिमांड करी होती है। छिन-छिन क्लियर करती कि वो सब बातें जो उसने मेंशन में कही थी वो सब अपने लिए कही थी, उसको पर्सनली मत लो। छेन योन कहती कि मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे ये टेस्ट लेना है या नहीं, तुम्हें कोई राइट नहीं है डिसाइड करने का। छिन-छिन उसकी मोहर उसे छीन लेती है जो वो लेटर पर लगाने ही वाली होती है। छेन योन रिएक्ट करती है कि तुम मुझसे मेरे डिसीजन लेने का भी हक छीन रही हो। छिन-छिन उसे दिखाती है वो बुक जो उसने रिसर्च कर छेन योन के फिर से पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार की है। उसमें वो सब मेथड्स लिखे थे जो छिन-छिन के अकॉर्डिंग अगर छेन योन ट्राई करे तो उसे काफी फायदा पहुंचेगा। मेडिकल स्किल्स में एक्सपर्ट होने के बाद भी छेन योन ने आज तक कभी अपने पैरों को ठीक करने का ट्राई तक नहीं किया था। उसे लगता था कि ट्राई करने पर भी उसके पैर कभी ठीक नहीं हो सकते और वो पैरों पर फिर से खड़ी नहीं हो सकती। उसने माइंडसेट बना लिया था और छिन-छिन उसके इस माइंडसेट को चैलेंज करने की कोशिश कर रही थी उस पर दबाव डाल के जो उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो छिन-छिन की वो बुक फेंक देती है और सवाल करती है कि क्या वो बिना कुंग फू स्किल्स के कुंग फू जीत सकती है, हाँ क्या पॉसिबल है ये, नहीं ना, और ऑर्डर करती है कि वो यहाँ से चली जाए। छिन-छिन फिर भी वो बुक छेन योन के पास रख देती है और वहां से चली जाती है। छिन-छिन छेन योन की सिचुएशन से काफी डिस्टर्ब थी। हांचू उसे लाइट फील कराने के लिए उसके लिए फिगर डॉल लेकर आता है। छिन-छिन मैं बच्ची नहीं हूँ कह के उन डॉल्स को इग्नोर कर देती है। हांचू बताता है कि वो इन डॉल्स के थ्रू उसे माफी मांगना चाहता है।
अब वो उसे बिल्कुल भी दबाव नहीं डालेगा टेस्ट को क्लियर करने के लिए। वो दिखाता है कि ये फीमेल फिगर डॉल तुम्हें तुम्हारे जैसे नहीं लग रही है और ये मेल वाला मेरे जैसा। छिंचन उसके डॉल के थ्रू इनडायरेक्टली कन्फेस करना कि वो दोनों कपल है अनकंफर्टेबल कर देता है उसे और उसके हाथ से हांचू की फिगर डॉल गिर जाती है और टूट जाती है। छिंचन को सैड देखकर हांचू कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस पैर ही तो जोड़ना है। उस डॉल की कंडीशन देख के छिंचन को और ज्यादा ये फील हो रहा था कि उसी की गलती है जिस वजह से छनवान इतना सफर कर रही है। उसी ने अपनी स्टोरी में छनवान का कैरेक्टर इतना ट्रेजिक लिखा था। हांचू उसे अपनी लाइफ स्टोरी सुना के लेसन देता है कि वो जो कल तक दिल की बीमारी से सफर कर रहा था और दुनिया घूम घूम कर फेमस डॉक्टर से मिल रहा था, उसका यही सोचना था कि ऐसे ही वो किसी दूसरी सिटी में अपना आखिरी वक्त बिताएगा। पर फिर छिंचन का उसकी लाइफ में आना, उसके लिए ड्रैगन बोन लाके उसकी बीमारी ठीक कर देना, उसे रियलाइज करवाता है कि लाइफ में कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं है, किस्मत बदल सकती है। इसे सुनकर छिंचन के दिमाग में छनवान की कुंफू वाली बात फ्लैश होने लगती है और हांचू से पूछती कि क्या वो कुंफू स्किल्स के बिना भी कुंफू जीत सकती है और हांचू नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसे दे सकता है। नेक्स्ट डे लिंची पूरी तैयारी में लगी थी इस कुंफू कॉन्टेस्ट की अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठाकर छिंचन से एक एक चीज का बदला लेने के लिए। वो कुंफू टेस्ट ऑफिसर को बुला के उसे घूस देती है और ये काम देती है कि उसे ऐसी प्रिपरेशन करनी है जिससे कुंफू ओपन चैलेंज में उसकी छिंचन के अगेंस्ट फाइट हो सके। हांचू के कान तक ये खबर पहुंच चुकी थी। वो छिंचन को भी इन्फॉर्म करता है कि लिंची ने कुंफू टेस्ट ऑफिसर तक को सेट कर लिया है उससे बदला लेने के लिए। पर हांचू के पास आइडियाज भी है छिंचन को जिताने के लिए। हांचू के मोटिवेशन के बाद वो सीधे छनवान के मेंशन पहुंचती है पर छनवान का अटेंडेंट उसे बाहर ही रोक देता है। इवेंचुअली छिंचन बाहर से चिल्लाती है, यहाँ अगर मैं कुंफू टेस्ट जीत गई तो तुम अपने पैरों के इलाज पर ध्यान दोगी और मेरे दिए हुए मेथड्स पर काम करोगी। कुछ देर तक छनवान के अंदर से कोई रिप्लाई ना आने पर छिंचन ये कह के चली जाती है कि मैंने तुम्हारी चुप्पी को ही तुम्हारी हाँ समझ ली है और मैं मेहनत करूंगी और जीतूंगी भी। एन एपिसोड खत्म हो जाता है यहीं। सो अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि कुंफू टेस्ट छिंचन की लाइफ को कैसे चेंज करेगा। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि बेल आइकन के बिना भी नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच नहीं पाएगी। सो अभी के लिए बाय बाय।